जी फरमाइए। ये मिस फौजिया यहीं होंगी? मिस फौजिया जी जी नहीं सॉरी आप गलत कमरे में आ गए। सॉरी नो प्रॉब्लम। पहचाना नहीं आपने? I'm sorry. Try again. अच्छा तो मैं भी नहीं बताऊंगा जब तक आप मुझे पहचानेंगी नहीं। I'm really sorry. फौजिया जी बहुत अफसोस की बात है, मैं 10 सालों में इतना नहीं बदला कि आप मुझे पहचान ना पाए। याद कीजिए 10 साल पहले क्रश प्रपोज। अली जी अंदर आओ ना, कम इन। आप कितने साल गुजर गए फौजिया जी, आप हम सब को भूल ही गए। मैंने किस किस से आपका नहीं पूछा, पर किसी को कुछ पता ही नहीं था। अमीन घर आना जाना चल रहा था कितने अच्छे दिन थे वो, फिर ऑल ऑफ अ सडन आप फायर हो गए। अच्छा पहले बैठो तो सही, ना तो मैं भूली और ना ही गायब हुई, बस वो अचानक मुझे स्टेट से जाना पड़ गया। वैसे आप लोगों ने भी तो घर शिफ्ट कर लिया जी। आपने जब आखिरी बार हमारे घर चक्कर लगाया था उसके तकरीबन 2 साल बाद हमने घर शिफ्ट कर लिया था। तुम्हारे घर पे मेरा आखिरी चक्कर तुम्हें याद है? मैं भूल सकता हूँ क्या? वो एक चक्कर क्या, मुझे हर मुलाकात याद है। हाउ कैन आई फॉरगेट, तुम्हारा क्रश जो था मुझ पे। इसे एक बात बताओ, वर यू रियली सीरियस? आई वाज वेरी वेरी सीरियस। एनीवेज इस्लामाबाद कैसा जा रहा है? जबरदस्त। घर वाले कैसे हैं? रमशा तो माशाल्लाह बड़ी हो गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। रमशा अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी है और डैड अपनी बिजनेस लाइफ में। डैड से तो मुलाकात हुई होगी ना आपकी? नहीं। एक बात कहूं, आप आज भी उतनी खूबसूरत हैं जितनी के 10 साल पहले थी। तो तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? शादी? फौजिया जी मेरी 2 हफ्तों बाद शादी है। Are you serious? Oh my God, तुम इतने बड़े हो गए? शायद। मगर तुम तो कहते थे तुम मुझसे शादी करोगे। आप ही ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। clever. खैर, कितने दिन हैं आप? अगर किस्मत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह अब यहीं रहूंगी। ओके, मैं व्यू करता हूँ कि आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ। अब तो वैसे भी आप परदेसी हैं, किसी किस्म का कोई भी मसला हो जस्ट गिव मी अ बस एंड आई विल बी देयर। ओह थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड, देखो मैं भूल ही गई, क्या लोगे तुम, चाय कॉफी या ठंडा? अच्छा मैं ऑर्डर करती जी। दो कोल्ड कॉफी भिजवा। तुम्हें साथ लेके जाना वक्त जाया करने के बराबर है। अच्छा? जी हाँ। अच्छा अच्छा बस बस बस, हर वक्त लड़ती हो तुम उसके साथ। बाबा मैंने क्या किया है? बस हाँ, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? जी डैड गुड थी, पर आपको तो पता है ना काम खत्म होती है शॉपिंग ये दिन। हाँ लेकिन चलो अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई, अब मुकम्मल भी हो ही जाएगी। ओ याद आया, एक सरप्राइज था आप लोगों के लिए। सरप्राइज? व्हाट सरप्राइज? गेसेस। क्या सरप्राइज? गेस भाई, कोई क्लू दोगे तो पता चलेगा। आज मुझे एक
एक बहुत पुराना जानने वाला मिला। मुझे लगता है कि कोई खास ही किस्म का शख्स मिला है जो तुम्हारा चेहरा इतना खिला हुआ है। भाई मुझसे भी पूछे ना। ओके मैडम, एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड? मुझे मालूम था आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे। आज मुझे फौजिया जी मिली थी। फौजिया? भाई ये फौजिया कौन है? होंगी कोई पुरानी जाने वाली। एक्सक्यूज मी, वरदा टेलर की चक्कर लगा लेना। सिर्फ 3 सूट उसने दिए हैं, अभी तक 6 सूट रहे थे उसके पास। कल लगाऊंगी। कोई आया देखो। आंटी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अम्मी कहाँ हैं? अम्मी आए चले। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बैठे 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 बैठे। हमारा नहीं आई? घर पर कोई नहीं था इसलिए घर पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लीजिए। ये क्या? ये वरदा के लिए है। मैं शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगी। क्यों? मैं परसों लंदन जा रही हूँ और वरदा की शादी को भी काफी दिन है। शुक्रिया, लेकिन खैर से लंदन जा रही है? जी वो हुमैरा के वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, वैसे आपने खामखा ये जहमत की, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? कैसी बातें कर रही है? हुमैरा जैसी मेरे लिए वरदा है और फिर मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे वरदा ने बताया था आप अस्पताल में थी। मैं हॉस्पिटल में थी? बहुत अफसोस हुआ, मैं आ नहीं सकी आपको देखने के लिए। आप एडमिट थी ना हॉस्पिटल में? मैं तो 2 साल से हॉस्पिटल नहीं गई, पर माशाल्लाह आपके सामने तंदुरुस्त बैठी हूँ। वरदा, तो आपकी आंटी क्या कह रही है? वो मामा, मैंने हुमैरा की नहीं, सुमैरा की अम्मी का कहा था आपको। I'm so sorry. मेरा ख्याल है मुझे सुनने में गलती हो गई थी। सॉरी बेटा, आंटी के लिए बहुत अच्छी चाय बना के लाओ। चलो जी, अभी लाते हैं। अच्छा, कितना दिन का प्लान है आपका लंदन का? अभी खाना ना भिजवाए, थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपको खुद ही बताती हूँ। ओके यू आर लेट। भूखा मार दिया, अब तो भूख लग लग के खत्म हो।